हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के एक और लेटेस्ट और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है जो एक्सेल के अंदर अपने डेटा को मेंटेन करते हैं और अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो सभी लोग जो केजीज के अंदर, लीटर के अंदर, मीटर के अंदर या इसी तरीके के अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर वर्क करते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं होता जिसके अंदर हम अपने नंबर और अपने वर्ड दोनों को एक साथ एक ही सेल के अंदर लिख सकें और हमारा फॉर्मूला वर्क करे। तो इस वीडियो में जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले उसका एक डेमो देते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे, पहले से हमने यहाँ पे एक डेटा बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमने अपने बिल नंबर, प्रोडक्ट के नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे जो हमारा क्वांटिटी वाला सेल है इसके अंदर हमने दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, एक हमारा नंबर यानी 30, 40, 50 और दूसरा हमारा टेक्स्ट। और दोनों को एक साथ लिखने के बाद भी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से तो यहाँ पे फॉर्मूला वर्क कर रहा है। और ऊपर की तरफ हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ 10 kg, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है और हमारा नंबर भी आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो यहीं पे हमने वो ट्रिक अप्लाई की हुई है। इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट और उसके नंबर दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख के यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा वर्क करते हैं जिसके अंदर केजीस, लीटर, मीटर ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो एक ही सेल के अंदर इसको नहीं लिख पाते। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर दूसरी शीट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हमने उस ट्रिक को रिमूव किया हुआ है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ 10 kg, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। तो इधर हम उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो जहाँ पे भी आप क्वांटिटी लिखते हैं उस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाइए। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टम पे आ जाइए। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे जर्नल की जगह यहाँ पे जीरो को सिलेक्ट कर दीजिए और जीरो को सिलेक्ट करने के बाद एक स्पेस दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लिख दीजिए जिसके हम जरा वर्क करते हैं। अगर आप केजी के अंदर करते हैं तो केजी लिख दीजिए, अगर आप मीटर के अंदर करते हैं तो मीटर लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम केजी लिख देते हैं। अब केजी लिखने के बाद इतना सा वर्क था, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करते अब यहाँ पे सिंपल आपको अपना नंबर लिखना है। नंबर के साथ आपको केजी नहीं लिखना, केजी ऑटोमेटिक आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे 50 kg आ गया और यहाँ पे फॉर्मूला भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हमें सिर्फ नंबर लिखने और नंबर लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो एक्सेल की काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, एक बार हम आपको दोबारा दिखाते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट साइड वाली स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट के अंदर कस्टम के अंदर जाना है और कस्टम के अंदर जर्नल की जगह आपको यहाँ पे जीरो लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देना है जोन सी आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और इस बार यहाँ पे हम लिख देते हैं लीटर, LTR, देन यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करते आप देखेंगे यहाँ पे सभी के अंदर लीटर आ गया। यहाँ पे हमने आपको समझाने के पर्पज से दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगा दिए। तो अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहती है। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए हैं विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwmalik.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेस आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं, तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नए इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलेस होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए, तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया, प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500। 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।